Welcome to Bowl Exam. Best of luck for exams. Subscribe the Bowl Exam. Also press the bell icon. Here is your teacher and let's start the class. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने टायर रोटेशन के बारे में बताया था और अब टायर और व्हील जो टॉपिक है उसी से मैं आज कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को ध्यान से सुने और पढ़ें और ख़ुद आंसर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ज़्यादातर कारों में किस व्हील का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं स्प्लिट व्हील, डिस्क व्हील, बायर व्हील, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिस्क व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हील का प्रकार है। ऑप्शन दिए हैं डिस्क व्हील, बायर व्हील, स्प्लिट व्हील, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस व्हील में दो अलग अलग डिस्क एक दूसरे के साथ क्लैंप की हुई होती हैं? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सामान्य क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं, इस सभी को आना चाहिए। ऑप्शन दिए हैं स्प्लिट व्हील, डिस्क व्हील, वायर व्हील, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, स्प्लिट व्हील, यानी टू पीस रिम भी इसको बोल सकते हैं और ये जो है टू व्हीलर यानी स्कूटर के टायर में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टायर तथा ट्यूब को सेट होने की जगह कौन प्रदान करता है? ऑप्शन दिए हैं व्हील, रिम, डिस्क, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है टायर व्हील की डैश पर लगा होता है? ऑप्शन दिए हैं डिस्क, रिम, बेस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यानी टायर जो है व्हील के किस भाग पर लगा होता है? तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो टायर होता है जो रिम के ऊपर चढ़ता है उसको बोलते हैं टायर, और व्हील जो होता है व्हील जो है वो एक पूरी असेंबली है जिसके भाग रहते हैं डिस्क, बेस, रिम, ये सारे जो है ये व्हील के भाग होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज़ के टायरों में कौन सी गैस भरी रहती है? दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, मेथेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूब रहित टायर के लाभ हैं? ऑप्शन दी है एयर की कम लीकेज, कम अनस्प्रंग भार, सरल असेंबली, उपरोक्त सभी। तो यानी ट्यूब रहित यानी दोस्तों ट्यूबलेस टायर के जो एडवांटेज हैं उनको बताना था। तो ये सभी जो हैं वो लाभ हैं ट्यूबलेस टायर के, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेड कि घिसाई का नंबर जितना अधिक होता है उतना ही टायर का जीवन काल डैश होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस परत प्रकार की टायर बनावट में परतों के धागे टायर के अक्ष पर कितनी डिग्री के कोण पर बुने जाते हैं? दोस्तों आप जानते हैं जो टायर का मटेरियल होता है जो टायर के भाग हैं उनमें रियोन के धागे, प्लाई रेटिंग जिसको बोल सकते हैं, और बीड जिनमें स्टील वायर रहती हैं। तो जो भाग होते हैं उनकी बात की गई है कि जो धागे होते हैं वो कितनी डिग्री के कोण पर बुने जाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री से 40 डिग्री तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टायर का ट्रेड किस पदार्थ का बना होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन दिए हैं रबड़, नायलॉन, उच्च तन्य स्टील वायर, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो दोस्तों जो टायर का ट्रेड भाग होता है वो रबड़ का बना होता है, और जो नायलॉन जो होता है, जो नायलॉन पदार्थ है इससे बने होते हैं धागे, रियान या नायलॉन। और जो उच्च तन्य स्टील वायर है उससे जो है वो बीड बनती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर को 9 इंच × 14 इंच × 14 PR से विनिर्देशित किया गया है। यहाँ 9 से तात्पर्य है, दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये टायर का साइज़ दिया गया है कि टोटल टायर का साइज़ है, आपको बताना है कि इसमें 9 इंच से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं बीड सर्किल का व्यास, शोल्डर की चौड़ाई, धागों की संख्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शोल्डर की चौड़ाई। तो दोस्तों इसके साथ हम आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि जो 10 इंच × 15 इंच × 14 PR जो है, यानी जो 10 इंच है वो है शोल्डर की चौड़ाई, 15 इंच है वो है बीड सर्किल का व्यास, 14 PR यानी धागे की संख्या, इसमें जो W होता है वो चौड़ाई इंच या mm में भी हो सकती है, और जो D होता है व्यास भी इंच और mm दोनों में हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर की बीड किस पदार्थ की बनी होती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि टायर का जो ट्रेड होता है या जो हेड होता है वो किस भाग का बना होता है। तो दोस्तों वो तो रबड़ का बना होता था, अब इसमें पूछ लिया गया है कि टायर की बीड किस पदार्थ की बनी होती है। तो दोस्तों ये बनी होती है उच्च तन्य सामर्थ्य वाली स्टील की वायर से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो है वो आंसर गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्के मोटर वाहनों में कितने पहिए प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हैं 2 आगे 2 पीछे, 1 आगे 2 पीछे, 6 8। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 2 आगे 2 पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर की बाहरी गुलाई को कहते हैं। ऑप्शन दिए हैं प्लाई, रिम, हेड, वायर फ्रेम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर का निर्माण सामग्री होता है। ऑप्शन दिए हैं तार, सूत, रबड़, ABC तीनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहनों में पहियों की संख्या किस आधार पर होती है। दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन दिए हैं इंजन की किस्म, भार, बनावट, पहले तीनों के आधार पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भार के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहन का वास्तव में भार उठाती है। ऑप्शन दिए हैं ट्यूब, टायर, रिम, ट्यूब में भरी हवा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ट्यूब में भरी हवा। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायरों की हवा दबाव अनुसार किस्में हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है। ऑप्शन दिए हैं लो प्रेशर, एक्स्ट्रा लो प्रेशर, हाई प्रेशर या तीनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायरों पर चिकनाई लगने का क्या प्रभाव होता है। ऑप्शन दिए हैं टायर कम घिसता है, अधिक घिसता है, टायर रबड़ गलती है, टायर झटके देता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टायर रबड़ गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य रूप से स्कूटरों में किस प्रकार के रिम प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दिए हैं प्रेस स्टील डिस्क, 2-पीस रिम, हैवी ड्यूटी प्रेस स्टील, ABC तीनों ही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2-पीस रिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर रोटेशन से क्या लाभ हैं। दोस्तों पहले भी आपने मैंने पिछले वीडियो में बताया था इसके बारे में, तो अब क्वेश्चन में है, ऑप्शन दिए हैं टायर बिल्कुल नहीं घिसता, टायर कार्यकाल बढ़ता है, टायर आयु कम होती है, उपरोक्त में से कुछ नहीं होता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टायर कार्यकाल बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
टायर में कट लगने पर रिपेयरिंग की क्रिया कौन सी है? ऑप्शन दी है टायर बदल दें, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, वेल्केनाइजिंग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेल्केनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर घिसने का कारण हो सकता है? ऑप्शन दी है पहियों में कम हवा, रिम टेढ़ा होना, तीनों ही, टायर रोटेशन न करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टायर के ग्रेड का क्या आधार होता है? ऑप्शन दी है चाल, भार, प्रयोग स्थिति, ए बी सी सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिम को 7JJ14 कोड से निर्देशित किया गया है, यहाँ 7 से तात्पर्य है। तो दोस्तों ये जो है वो रिम का साइज दिया गया है। तो ऑप्शन दिए हैं रिम की चौड़ाई, रिम का आकार, रिम का व्यास, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिम की चौड़ाई। तो दोस्तों साथ ही में हम पूरा इसको, इस कोड को जान लेते हैं कि क्या है ये कोड। तो देखें 7JJ14 यानी 7 रिम की चौड़ाई होती है, 14 रिम का व्यास होता है और डबल जे रिम का आकार होता है। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नाउ वाई फ्रेंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो एंड कीप कनेक्टेड। बाय।